लग रहा है रीमा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से। यतेंद्र, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप वहां से? देखिए बिल्कुल, बीजेपी मुख्यालय में और जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय में जुट गए, लगातार ढोल नगाड़े और जो आप सामने देख सकते हैं बैंड बाजे भी यहां पर आ गए और बीच बीच में कार्यकर्ता लगातार डांस वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं और बैंड बाजे हैं जो यहाँ पर बज रहे हैं और काफ़ी बीजेपी जो लोग हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जोश का माहौल। सीधे रुक करते हैं हैदराबाद, हमारे उस सेंटर जहां से एक एक आंकड़ा आ रहा है और बड़ी खबर दे रहे हैं रवि। रवि, क्या खबर है? उत्तराखंड की सियासत से प्रीति, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए अपनी सीट, ये बड़ी खबर। बीजेपी ने बेशक वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपनी सीट हार गए, यानी हिमाचल का इतिहास यहां पर दोहरा दिया गया। वहां पर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा था, वो भी हार गए थे और यहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होने के बावजूद हार गए। कितने वोटों से हार रहे हैं? 6,951 वोटों से हार गए। 6,951 वोटों से पुष्कर सिंह धामी हार गए उत्तराखंड से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रीति। और ये अपने आप में उत्तराखंड